Why is frequency hopping important for Bluetooth devices? Option आपके पास है to save battery, to avoid interference and stay clear of noisy channels, to make messages travel farther, to encrypt messages. क्या लगता है आपको? Answer है इसका B, to avoid interference and stay clear of noisy channels. फ्रीक्वेंसी हॉपिंग इसलिए जरूरी है, चाहे वह ब्लूटूथ डिवाइस हो, वाईफाई हो या इवन कॉर्डलेस फोन हो, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इन उपकरणों के लिए क्योंकि इससे आप सुनिश्चित कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी बातचीत कम्युनिकेशन सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये भरोसेमंद होगी, सुरक्षित होगी और कुशल होगी, रिलायबल, सिक्योर एंड एफिशिएंट उन एनवायरमेंट में, उन परिस्थितियों में, उन माहौल में जहां पर और अधिक अलग अलग वायरलेस सिग्नल भी हो। ब्लूटूथ जनरली किस में ऑपरेट करता है? 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड पे, जिसे साझा करते हैं, जिसे शेयर करते हैं बहुत सारे डिवाइसेस, जैसे कि वाईफाई राउटर हो गया, माइक्रोवेव हो गए, कॉर्डलेस फोन्स हो गए। अगर आप फ्रीक्वेंसी हॉपिंग का इस्तेमाल नहीं करते तो फ्रीक्वेंसी जो ब्लूटूथ सिग्नल्स है वो इजीली बहुत आसानी से बाधित किया जा सकता है अदर डिवाइसेस, बाकी डिवाइसेस के द्वारा। परिणाम स्वरूप क्या होगा? कनेक्शन खराब होगा, क्वालिटी खराब होगी या फिर पूरा का पूरा फेल, कम्युनिकेशन नाकामयाब हो जाएगा। किस तरीके से फ्रीक्वेंसी हॉपिंग यहाँ मदद करती है? देखिए, पहली चीज है कि ये इंटरफेरेंस को खत्म करती है, अवॉइड करती है। ब्लूटूथ डिवाइसेस ये इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं, इस तरीके से ये बनाए गए हैं ताकि ये अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पे 1600 टाइम्स, 1600 टाइम्स पर सेकंड, एक सेकंड में 16000 टाइम्स ये फ्रिक्वेंसी चेंज कर सके। अगर एक फ्रिक्वेंसी पे आप नहीं है तो हेडफोन्स और जो फोन वो लगातार फ्रिक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं, जंप कर रहे हैं, हॉप कर रहे हैं नई फ्रिक्वेंसी में हर कुछ मिलीसेकंड्स में। अगर एक फ्रिक्वेंसी बिजी हो गई, इंटरफेयर हो गई, जैसे मान लीजिए ब्लूटूथ डिवाइस से किसी और वाईफाई से, तो जो हेडफोन्स और फोन्स है वो क्लियर फ्रिक्वेंसी पे जा रहे हैं जहां पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि आपको क्लियर फ्रिक्वेंसी चाहिए जहां पर आप बात कर सकते हैं, कंजेशन से काम नहीं चलेगा। यहां पर फ्रिक्वेंसी हॉपिंग इससे इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैसे फ्रीक्वेंसी हॉपिंग रिलायबल कनेक्शन, यानी कि जिसको आप, जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं वो बनाएंगे? तो ये जो हॉपिंग है ये सुनिश्चित करती है, इंश्योर करती है कि जो ब्लूटूथ कनेक्शन है वो स्थायी हो, स्टेबल हो, मजबूत हो उन वातावरण में, उन एनवायरमेंट्स में जहां पर बहुत ज्यादा संभावना है कि इंटरफेरेंस हो सकता है। आपका म्यूजिक, आप जो भी सुन रहे हैं वो बगैर किसी बाधा के, बगैर किसी रुकावट के आप सुन सके, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसीज हर बार चेंज हो रही है और जब फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है तो एक फ्रिक्वेंसी ब्लॉक होने पर भी बाकी फ्रिक्वेंसी आपके कब्जे में होगी।